निकाय चुनाव के दृष्टिगत और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के तहत गुरुवार को जनपद हापुड़ की जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा और पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा हापुड़ के शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जनपद हापुड़ में 11 शस्त्र विक्रेता हैं। पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण के दौरान दुकानों पर जमा शस्त्र और कारतूसों की बिक्री का भौतिक सत्यापन किया। पुलिस अधीक्षक ने शस्त्र विक्रेताओं को निर्देश दिया कि दुकानों पर कितने शस्त्र जमा हो रहे हैं और एक व्यक्ति को अधिक कारतूस न दिए जाएं। इसका पूरा विवरण संबंधित थाने को तुरंत उपलब्ध कराएं। देखिए, आगामी जो निकाय चुनाव है उसको दृष्टिगत रखते हुए, जो चुनाव आयोग के निर्देश है उसका पालन करते हुए, जो चुनाव की परिसीमा उसके 10 किलोमीटर के भीतर के जो परिधि में लोग रहते हैं उनके शस्त्र चुनाव के संबंध में उनको जमा करवाने हैं, उस संबंध में कार्रवाई जनपद में ऑलरेडी प्रचलित है। आज मेरे और जिलाधिकारी द्वारा साथ में निरीक्षण किया गया है कुछ दुकानों का, जिसमें मिलान किया गया है कि कितने शस्त्र दुकान में जमा हैं, कितने उनके यहाँ से राउंड्स इशू हो रहे हैं और जो शस्त्र उनके यहाँ से जमा हो रहे हैं उसकी सूचना संबंधित थाने पर दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। और इसी तरीके से जो हमारे जनपद में लगभग 11 दुकानें हैं, उनमें से 9 क्रियाशील दुकानें हैं, उन सभी की रैंडमली चेकिंग ऑलरेडी सीओज और एसडीएम द्वारा की जा चुकी है और मेरे और जिलाधिकारी द्वारा भी समय समय पे इनकी चेकिंग की जाएगी। निर्देश ये है कि जो भी शस्त्र जमा हो रहे हैं संबंधित दुकानों पे उसकी एक सूचना जो प्रति है वो एक थाने पे भी जानी चाहिए, लोकल एसएचओ को बताना चाहिए दुकान वालों को, और साथ ही साथ जितने भी शस्त्र जमा होंगे एट द एंड ऑफ द डे उसकी पूरी सूचना रजिस्टर के साथ दुकान पर नोट कराएंगे और जो भी राउंड उनके यहाँ से इशू हो रहे हैं बुलेट्स राउंड वो ये चेक कर लिए जाएं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़्यादा राउंड ना इशू किया जाए, यदि ऐसा हमें लगता है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। नहीं, हमारा भी जरूरी है, हम ही तो हमें नहीं दे पाने। ये बेटा दूसरे रजिस्टर में 94 का है, तो रिवॉल्वर आपने क्या शस्त्र वाला बना रखा? तो फटाफट कर दो, आप राउंड भी रखते हैं इस वक्त? तो सर सबसे क्लोज है, अभी से नहीं, सर दोस्तों सर।